जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, या वो लोग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, और वो दूसरों के सिग्नल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर पेड सिग्नल्स चेक कर रहे होते हैं, सब लोगों के लिए एडवाइस है कि अभी बेस्ट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट का। नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही प्रॉफिटेबल रही है। अगर आप हिस्ट्री चेक करें, जिस बंदे ने टाइम से अच्छे कॉइन्स आइडेंटिफाई करके उन कॉइन्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी थी ओवर द टाइम, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले, चाहे वो शिबा इनू था, चाहे वो बिटकॉइन इटसेल्फ था, चाहे बीएनबी था, एक्सिस था, कोई भी कॉइन था। अगर आप उनकी प्राइस हिस्ट्री चेक करें, एग्जैक्ट आज से 2-3 साल पहले, जब बुल रन से पहले आदमी लोगों ने इन्वेस्ट किया उन कॉइन में, बुल रन में जब ऑल द टाइम हाई टच हुआ, तो किसी बंदे को 100x, किसी को 500x, किसी को 1000x, और किसी बंदे को 1000x के भी ज़्यादा उसके प्रॉफिट्स मिले। जब हम एक्स की बात करते हैं, तो ये परसेंटेज नहीं है बल्कि मल्टीप्लाइड है। एक बंदे का $1, $1,000 या $2,000 होना 100x, 1000x या फिर 2000x कंसिडर होगा। तो सेम इसी मौजू पर वीडियो है, एक कॉइन है जो मैं समझता हूँ नेक्स्ट बुल रन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स देने वाला है। अगर कॉइन की बात करें तो मैंने RDS पर 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई हैं, कॉइन का नाम है स्टीमएक्स। और वीडियो बनाने के टाइम के बाद भी अगर देखें, लास्ट 1 मंथ की अगर आप इसकी परफॉर्मेंस चेक करें, तो ऑलमोस्ट 46.92% ये कॉइन की प्राइस में इंक्रीज आया है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकी माइग्रेशन होगी। अगर आप माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी अपडेट चेक करेंगे, तो 1 दिन रह गया है, विद इन 1 day and 3 hours 4 minutes के अंदर अंदर ये कॉइन माइग्रेट हो रहा है, और माइग्रेट होने के साथ ही साथ इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड हो रही है। अभी माइग्रेशन के टाइम पर होगा क्या कि आपके 550 कॉइन्स रेशियो 1 के हिसाब से ड्रॉप होंगे। इससे क्या होगा, इस कॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, 165 मिलियन हो जाएगी ओनली। और ये नेटिव कॉइन है, नेटिव टोकन है, तो 165 मिलियन एक्चुअली बहुत ही कम सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई है। किसी भी जो यूटिलिटी है, किसी भी एक्सचेंज के या फिर किसी भी स्वैप के जो नेटिव टोकन होते हैं अभी, बाकी अगर आप इसके रेफर करेंगे, किसी के 300 मिलियन है, किसी के 500 मिलियन है, किसी की 1 बिलियन है, तो 165 मिलियन एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंट्रोल्ड सप्लाई है। एक तो ये चीज़ रहेगी इसके बारे में। सेकंड चीज़, क्योंकि मैं बहुत ही बिगिनिंग से, इनिशियली जब ये कॉइन लिस्ट हुआ था लास्ट टाइम 2021 में, वो टाइम से इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हूँ। वो टाइम में मैंने बाई किया था, अच्छे मुझे रिटर्न्स आई, मैंने दोबारा इसको सेल कर दिया था, दोबारा फिर बाई कर लिया प्राइस नीचे आने पर। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी अच्छी लगी, इनकी जो कम्युनिटी है और उसके साथ ही साथ इनकी जो टीम है, जो डेवलपर है, बहुत ही पेशेंस हैं वो लोग, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे मतलब कि जो रोड मैप है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च कर दें या फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दें और वो फेलियर हो, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि एक इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलपमेंट इसकी हो रही है। और जितने भी कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है कम्युनिटी की तरफ से, कोई भी इसको रश नहीं कर रहा है, कोई भी इसको इंसिस्ट नहीं कर रहा है कि प्राइस गिर रही है, क्या कि आपने दिस एंड डैट, सब लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, अच्छी सोच है सबकी, और उसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप इसकी करंट प्राइस अभी चेक करेंगे, 0.00076 है। अगर कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलेटर आप चेक करें, लाइक आप रफ कैलकुलेशन करें, अगर कोई बंदा $20 इन्वेस्ट करता है और अभी जो करंट प्राइस है इसकी 76, एवरेज उस बंदे को इतने कॉइन्स मिलेंगे, 2,63,000 इतने कुछ मिलेंगे, और उसके साथ साथ विद इन 1 day ये कॉइन चेंज हो जाएगा 550 रेशियो से, मतलब कि आपको 478 कॉइन मिले। अभी आप एक बात याद रखना, ये 478 कॉइन कुछ मामूली या कुछ इस तरह के कॉइन नहीं है, बल्कि एक एक्सचेंज के नेटिव कॉइन है, नेटिव टोकन है कॉइन का, जैसे BNB होगा, केक हो गया, बाकी जितने भी सुशी यूनी जितने भी हो गए, यूटिलिटी को डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज के नेटिव टोकन है, सेम ऐसे ये भी एक नेटिव टोकन है। और जो मेरी पर्सनल राय है कि इस कॉइन को नेक्स्ट बुल रन में एट मिनिमम, बहुत ही कंट्रोल्ड सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई है, काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा इनका रोड मैप है, सारी की सारी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पर मिलेंगी, लेकिन 15 एक मिनिमम मैं टारगेट रखता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, अचीवेबल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नियर है। मैं इसको $50, $30, $40 ऐसे ही बोल सकता था जो कि पॉसिबल है, लेकिन $15 तो बिल्कुल इजी जो उसका टारगेट है, वो भी अगर आप बोलें तो आपके $20 कन्वर्ट हो गए 7,177। अगर आप इसको एक्स चेक करते हैं कि आपके डॉलर कितनी रेशियो के साथ बढ़े, तो 358x, मतलब आपका $1 कन्वर्ट हो गया $358 एट द प्राइस ऑफ 15, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो सब लोग इसको खुद भी थोड़ा स्टडी करें, इसका पार्टनर्स वगैरह चेक करें, रोड मैप चेक करें इनका, ये इनका रोड मैप है, हर चीज़ आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और उसके साथ ही साथ आप इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी ज्वाइन करने से होगा क्या कि ऑन टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और एक बात बताते चलूँ, जो बंदों ने ऑलरेडी ये कॉइन खरीदा हुआ है पहले से, मेरी वीडियो देखने से पहले से ही, तो उन लोगों को मालूम होगा कि स्वैप के टाइम पर उनको
एक्स्ट्रा 13% कॉइन मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने मतलब कि एक तरह से डेडिकेशन है ये, एक तरह से आपको रिवार्ड मिल रहा है। जिस बंदे ने ये कॉइन बाई किए और उसके बाद कभी सेल नहीं किया, तो उसको 13% एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिस बंदे ने लेस देन 50% सेल किए थे, उस बंदे को अराउंड 7% एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलेंगे। तो ऑफकोर्स मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया था न्यू वैलेट में, जो मेरा ओल्ड वैलेट था उसमें इसको सेल किया था, तो न्यू वैलेट में इसको सेल नहीं किया था, तो ऑफकोर्स मुझे भी ऑलमोस्ट 13% कॉइन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर या 2 ईयर्स में आप इस कॉइन पर दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, और उस कॉइन में मैं आपको अपना टारगेट बताऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल टारगेट इस कॉइन के बारे में एटलीस्ट एट मिनिमम $15 है, कि $15 एट मिनिमम मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी। तो थैंक यू सो मच। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो इस तरह के और कॉइन्स के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताते चलूँ कि मैं अभी दोबारा टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन। ये मेरे पेड कोर्सेज हैं जो मैंने पेड करके बाकी के टेक्निकल एनालिस्ट से पाकिस्तान बेस और कुछ यूरोपियन बेस एक दो कोर्स मैंने बाई किए हैं, तो सारी की सारी चीज़ें चेक करने का आसान तरीके से मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी बंदे इंटरेस्टेड हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें। होपफुली हम लोग एक साथ इकट्ठे ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।